हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पीएचपी से रिलेटेड है। पीएचपी के लिए एक सर्वर मैंने इंस्टॉल किया है, ये देख सकते हैं, ये ज़ैम्प सर्वर है। आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि ये अपाचे नाम का जो सर्वर है इसको स्टार्ट रखना है, नेट से कनेक्टेड रहिएगा, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। और अब जो भी हम चलाएंगे वो हमारे ब्राउजर के ऊपर चलेगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पीएचपी आप लिखेंगे, अगर आप पीएचपी के अंदर एम्बेड कर रहे हैं तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। और जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे ये यहां पर रेड कलर मैंने प्रिंट कराया है, यहां पर मैं H1 H2 को भी यूज कर सकता हूं। ये H1 यूज किया हमने, ठीक है। और यहां पर मैं लिखता हूं वेलकम, ये लिखा वेलकम, और फिर ये H1 को क्लोज करना है। तो आपको ये चीज जो है, जो आप लिख रहे हैं मेन कोड, उसको आप पीएचपी से बाहर रखेंगे, ठीक है। ये H1 को क्लोज कर दिया, फिर एंटर करके नीचे आए, फिर यहां लिखा H2 यानी हेडिंग 2 लिखा, और यहां पर मैं फिर लिख देता हूं वेलकम। तो ये लिखा वेलकम कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया। अब इसको भी क्लोज कर दिया यहां से, H2 को भी, फिर यहां H3 करते हैं, H4 करते हैं, ऐसे ही करके हम चलेंगे। तो यहां H3 किया, फिर यहां लिखा वेलकम, ठीक है। और यहां पर H3 को क्लोज करेंगे, फिर ऐसे ही H4 को क्लोज करेंगे, ऐसे ही करके हमको चलना है। H4 में भी हमें लिखना है वेलकम इस तरीके से। ये कब तक लिखते चलेंगे, कहां तक ये जाएगा, हेडिंग कहां तक जाएगी। देखिए H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जैसा कि मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि H1 बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है। यहां पर H5 लिखते हैं, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, वेलकम लिख देंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, आप फ्री हैं इस चीज के लिए, आपको जो मन करे वो लिखिए, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग क्या होगी, H1 ही होगी, H2 उससे छोटी होगी, H3 उससे छोटी होगी, H4 उससे छोटी होगी, H5 उससे छोटी होगी, और सबसे छोटी होती है H6। H6 के बाद कोई अदर हेडिंग नहीं आती है। आप एक ही चीज को रिपीट करना शुरू कर देंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि H7 कर देंगे तो वो सही है, तो ये सही नहीं है। तो यहां पर ये हमने रन करा लिया है, सॉरी सेव कर लिया है। अब यहां से इसको रन कराने की बारी है, तो हम ओपन करते हैं अपना ब्राउजर, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां पर ये पहले मैंने चलाया था, फिर यहां पे आता हूं, ये ब्राउजर में चलता हूं, यहां लिखता हूं लोकल होस्ट ऑब्लिक लगाइएगा, और फिर हमने एक माई प्रोग्राम नाम से फोल्डर बनाया है और demo.php के नाम से सेव किया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पीएचपी के अंदर ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, समझ आ रही है बात, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा तभी आप पीएचपी चला पाएंगे, समझ में आई बात। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, और उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है। अगर मैं इस हेड को हटा देता हूं तो कोई इफेक्ट, एक बार चेक करते हैं। यहां से मैंने हेड को हटा दिया, कंट्रोल एस किया, अब एक बार फिर से इसी चीज को मैं रन कराता हूं, एक बार चेक करते हैं कि इसमें कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं हेड को हटाने से। तो यहां पे लिखता हूं लोकल होस्ट ऑब्लिक माई प्रोग्राम में ही छिपा हुआ है मेरा, तो ये यहां पर गए। अब देखिए, अब ये एकदम करेक्ट हो गया, हेड को हटा दिया, नो प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, शुरुआत कैसे करनी है पीएचपी की, अब ये बात आपको पता चली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।